हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज की वीडियो में मैं आपको लेके आई हूं होम टूर कराने के लिए। तो होम टूर जो है वो गांव के घर का होने वाला है, तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये किसका घर है और मैं यहां पे क्यों आई हुई हूं। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं कि ये लोकेशन कौन सी है और ये किसका घर है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं वीडियो में। का घर देखने से पहले थोड़ा गलियां भी देख लेते हैं। तो ये यहाँ का प्राइमरी स्कूल है और कुछ फंक्शन वगैरह जो है वो भी इसी एरिया में होता है। यहाँ पे एक भवन भी है, तो यहाँ पीछे हम देख सकते हैं कुछ फंक्शन भी हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे ये जो चौक है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, इसे अटल चौक कहा जाता है। और यहाँ पे से हम जो गांव के अंदर जाएंगे इस वाली गली से, और यहाँ पे हम देख सकते हैं छोटा सा श्री राम जी का मंदिर भी है। तो चलते हैं आगे गली की ओर बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं जो गांव का जो घर है, जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखाया है, तो आप ये देख सकते हैं कि मिट्टी का जो घर है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है कहीं पे भी। तो सारे जो घर हैं वो पक्के मकान हैं और देखेंगे रोड भी प्रॉपर सीमेंटेड रोड हैं विद प्रॉपर ड्रेनेज, जो है नालियाँ वगैरह प्रॉपर बनी हुई हैं। और ये देखेंगे काफ़ी खूबसूरत सा जो घर दिख रहा है। अब इस घर को आप देखेंगे तो बोलेंगे ये कहाँ गांव में भी इतना अच्छा घर हो सकता है। देखेंगे अब छत्तीसगढ़, मैं कहाँ पे हूँ ये बताती हूँ आपको। पहले तो मैं हूँ छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में के पास का एक गांव है परसुली, जो कि मेरी नानी का गांव है। मैं वहाँ पे हूँ, तो वहाँ पे मैं आपको अपने नानी का घर दिखाऊंगी। तो मेरे नाना नानी तो अभी नहीं हैं, पर मामा मामी रहते हैं वहाँ पे और उनके बच्चे रहते हैं, मतलब मेरे भैया भाभी लोग रहते हैं और उनके बच्चे रहते हैं। तो अभी आगे मैं आपको वो घर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि सारे जो घर हैं वो ऑलमोस्ट जो है सीमेंटेड घर भी हैं। तो पूरा गांव का जो एक कल्चर है, एक मतलब अलग माहौल लगता है इस जगह गांव वगैरह में, जो आके हमको मतलब एक फ्रेश फीलिंग मिलेगी आपको, जो शहर का शोर शराबा है उससे दूर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैक्टर खड़ा हुआ है और ये जो एरिया देख रहे हैं, ये जो भवन देख रहे हैं आप, ये है यहाँ का सामुदायिक भवन। तो यहाँ पे भी छोटा मोटा फंक्शन है, रामलीला है, ये सब यहाँ पे होता है। तो देखिए ये जगह जगह ट्रैक्टर्स वगैरह हैं, जैसे कि हम शहर में देखते हैं जगह जगह कार दिखेंगे, तो यहाँ पे आपको जगह जगह जो है ट्रैक्टर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे छोटा सा शीतला देवी का मंदिर भी है। ये जो मंदिर दिख रहे हैं ये भी एक चौक है और वहां पे एक छोटी सी दुकान है। तो आप देख सकते हैं सारे जो मकान वगैरह हैं उनको। बच्चे जो हैं साइकिल में चला के कितना मतलब खुश हैं वो। तो यहाँ पे खड़ी है ये हमारी कार जिसमें हम यहाँ आए हुए हैं। तो देखेंगे ये लकड़ी जो कटी हुई यहाँ पे पड़ी हुई है, ये मेरे मामा जी बिजनेस करते हैं लकड़ियों का, उनका है। और ये जो कंस्ट्रक्शन है ये काफ़ी पुराना कंस्ट्रक्शन है, ऑलमोस्ट 60 ईयर्स पुराना कंस्ट्रक्शन है। जितना भी यहाँ पे आप मिट्टी का घर देख रहे हैं ये बहुत पुराना कंस्ट्रक्शन है, अबाउट 60 to 70 ईयर्स पुराना। तो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो भी खपरा वाला है। और ये जो गायों को बांधने का जो एरिया है वो है, इसे ये जो गाय को पानी देते हैं उसे कोटना कहा जाता है। और एक ही गाय है अभी तो यहाँ पे, बाकी गाय चरने गई हुई है। जो एक एरिया है जहाँ पे गायों को चराया जाता है वो सारी गायें वहाँ गई हुई हैं। तो ये जो इधर का भी जो ये जो बिल्डिंग है ये भी पुरानी बिल्डिंग ही है। तो यहाँ पे बच्चों की साइकिल और बड़ों की भी साइकिल और कुछ कुछ सामान वगैरह रखा हुआ है। तो आगे चलते हैं हम ये नए कंस्ट्रक्शन में। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ये मेरे मामा ने करवाया है, तो ये पक्का घर है। या पूरी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, फ़ैन है, स्विंग मशीन है, टीवी है, कूलर वगैरह भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर 3 रूम्स हैं
और आगे चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ का किचन। तो किचन में जो है चूल्हा में अभी भी खाना बनता है, तो यहाँ पे खाना बन चुका है, खाना रखा हुआ है और कुछ मसालों के डब्बे वगैरह रखे हुए हैं। तो ये भी एक कमरा है और यहाँ पे गैस वगैरह रखा हुआ है, अगर चूल्हे पे खाना नहीं बनाना तो गैस पे भी बनता है खाना, इंडक्शन वगैरह भी है यहाँ पे, और यहाँ पे फ्रिज भी अवेलेबल है, और यहाँ पे बहुत ही पुराना पंखा है। और ये जो रूम है काफ़ी स्पेशल रूम है, पहले ये मिट्टी का हुआ करता था, अभी इसको सीमेंटेड करा दिया गया है। तो जब हम छोटे थे और यहाँ आते थे तो हम इसी रूम में ठहरा करते थे, और मुझे याद है यहाँ पे एक छोटा सा, मतलब माची बोलते हैं जिसको छत्तीसगढ़ में, एक छोटी सी खटिया हुआ करती थी, और वहाँ हम चारों भाई बहन लड़ा करते थे उस खटिए के लिए। तो आगे चलते हैं और ऊपर चढ़ते हैं हम छत की ओर। तो यहाँ पे जो है पठेवा बोलते हैं, पठेरा या पठेवा बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे है काउडंग केक्स रखा हुआ है, जो गोबर के कंडे हैं वो रखे हुए हैं, ऊपर भी गोबर के कंडे कुछ सूख रहे हैं, लकड़ियाँ सूख रही हैं, और ये तिल या फिर रहर की काड़ियाँ हैं। तो ये है ऊपर से जो छत आप देख सकते हैं। तो चलते हैं अब हम नीचे, ऊपर छत देखने के बाद अब हम जाएंगे बाड़ी की ओर। बाड़ी मतलब जहाँ पे पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, जो वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स वगैरह हैं उनको डाला जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे सेमी का पेड़ है और धनिया उगा हुआ है, पपीता उगा हुआ है, और यहाँ पे फूल गोभी के पौधे हैं, टमाटर के पौधे हैं, जाम या अमरूद जो बोलते हैं उसके उसका पेड़ है, गन्ने का पेड़ है, कांदा भाजी का पेड़ है, गुलाब का पौधा है, यहाँ पे प्याज भाजी भी बोई हुई है, और केला है, कटहल है, नींबू है, और भाटा है, पपीता है, और आम का झाड़ है, और यहाँ पे जो है मेथी भी लगाई हुई है, पालक भी है यहाँ पे, और ये बंद गोभी का पौधा है, और यहाँ पे मुनगा मुनगा का भी पौधा है, ड्रमस्टिक जिसे कहा जाता है, और ये छोटा सा नींबू का पौधा है, और यहाँ पे जो कुछ एलोवेरा भी लगाया गया हुआ है, एलोवेरा भी यहाँ पे है। तो देखा आप लोगों ने कि गांव का एनवायरनमेंट कितना ही शांत होता है, और कितना मतलब एक एनर्जेटिक फीलिंग आती है ऐसे गांव में आके, थोड़ा सुकून का पल मिलता है शहर के शोर शराबे से दूर। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आप मेरी वीडियोस देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।